सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके फॉर्डी में आपका स्वागत है। पता नहीं आवाज़ मेरी साफ आ रही कि नहीं आ रही, पर आज मैं देहरादून पैदल ही निकल पड़ा हूँ। तो देख ही सकते मेरा पैदल वाला व्यू, तो गाइस देखिए होता है। जब आप पैदल चलते हैं गाइस, अब पता चल रहा है कि मतलब बाइक में चलना और पैदल चलने में कितना फर्क है। आप जान नहीं सकते, मतलब मान नहीं सकते। मैं अरे कहना क्या चाहते हो, रिस्मना पुल से पैदल आ रहा हूँ। मेरे को जाना है घंटाघर चौक, तो करीबन यहाँ से 900 मीटर रह चुका है और मैं पैदल चल रहा हूँ। मतलब आज देख रहा हूँ, मैं अलग एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। कि पैदल चलने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। गाइस फट गए यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मतलब ये कि एक बाइक वाला पैदल बिल्कुल नहीं चल सकता भाई, जो डेली बेसिस अगर बाइक में चलाता है। और ये देखिए मेरे पीछे मैंने हेलमेट भी लगा रखा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जो कि मेरे बैग में है भाई। पैदल चलते चलते ना बैंड बज चुकी है। कौन है ये, कहाँ से आते हैं? और अभी भी मैप में दिखा रहा है 900 मीटर कुछ दिखा रहा है। हाँ 850 मीटर दिखा रहा है। 850 के बाद मतलब एक गोल चक्कर आएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट लेना है। चलते जा रहे हैं यार। मतलब यार मतलब ये है कि पैदल चलने वाले आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई भी गाड़ी किधर से भी ला रहा है। मतलब भाई आजकल के टाइम में तो गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, और तो पैदल भी चल रहे हो ना तो सेफ नहीं हो। कोई भी बंदा कहीं से भी गाड़ी से तुम्हें हिट करके चला जाएगा। थोड़ी सी भी वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। शाबाश बेटा, ऐसा सीन है सिटी में। तो यहाँ दून चिकित्सालय और सचिवालय स्टेट है, विकास भवन। और सीधे चलते जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। गाइस कपला देखिए, कपला इन ट्रैक्टर से ऐसे होते हैं यहाँ पे। कपला देखा आपने, कपला? अबे मेरे को क्या देख रहा भाई, आगे देख ले। आज गाइस हम ऐसा कर रहे हैं कि मतलब पैदल चलने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, फुट रेस, क्या बोलते हैं, पैदल पथ यात्रा का। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो गाइस आप मान नहीं सकते, मतलब यार मजा आ रहा था। मतलब पसीना पसीना हो गया ठंडी में ना थोड़ा, काफी दिनों से मतलब जब से गाड़ी ली ना पैदल कभी चला ही नहीं। तो मतलब आज मैं देख रहा था कि पैदल चलने का कैसा फायदा होता है। तो पैदल चल रहे हैं हम। पर यार पैदल चलने वालों को यार ऐसा तो मत करो यार, कोई साइड से थूक रहा है, कोई बस से थूक रहा है यार, कोई छत के ऊपर से पानी गिर रहा है। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। सो गाइस चलते जा रहा हूँ मैं 11:46, देखिए मतलब सुबह के 11:46 हो चुके हैं टाइम। और ये देखिए पीछे का व्यू भाई साहब, मैं तो बड़ा संभल संभल के चल रहा हूँ यहाँ पे किनारे किनारे। मतलब ऐसा लग रहा है यार कोई भी कहीं से भी ठोक सकता है गाड़ी। गाड़ियाँ बड़ी ना स्पीड से चल रही हैं, मतलब वैल्यू नहीं है भाई पैदल चलने वाले बंदों की। सेफ नहीं है पैदल चलने वाला भी भाई। पापा की परियां तो ऐसे भगा रही है ना भाई, चिपक के चलना पड़ रहा है मेरे को यहाँ। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस बताते हैं जैसे भी आगे का अपडेट हो आपको। और गाइस ये रहा हमारा घंटाघर चौक। टाइम तो हो गया भयंकर 12:30, देखते हैं। मैं तो रास्ता भी भूल गया, अब मन नहीं करा क्योंकि टाइम
जहाँ मैंने सर्विस सेंटर के लिए दिया था वहाँ पे टाइम उन्होंने बोला 2 घंटे लगेंगे, तो 11 बज रहे थे, तो आप अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ से मेरे को जाते जाते 1 घंटा हो ही जाएगा रसमना पुल, तो फिर यहाँ पे घूम के कोई फ़ायदा नहीं है, तो निकलते फिर रसमना पुल की तरफ। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम घर और करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कोशिश रखती है अपनी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल देन बाय बाय।